माशाल्लाह बहुत ही अच्छा जो है वो दम पख जो है वो तैयार हुआ है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ रिजवान तैयब और आज हम बनाने लगे हैं दम पख। ये कैसे बनता है और इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, चलिए अब शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सबसे पहले नीचे चर्बी की तह लगा लेंगे, फिर उसके अंदर गोश्त डाल देंगे, गोश्त डालने के बाद उसमें आप आलू रख देंगे, और प्याज जो है वो छोटे छोटे जो रख देंगे। साथ ही टमाटर काट के इसमें रख देने, और सब्ज मिर्च इनको ऐसे कट लगा कर, इसमें अदरक और लहसुन जो है वो डाल देना, नमक डाल लेंगे, नींबू का जो है रस वो डाल लेंगे, और आखिर में काली मिर्च पाउडर जो है वो डाल लेंगे। थोड़ा सा पानी शामिल कर लेंगे और अब इसकी साइडों पे आटा जो है वो लगा देना है। ऐसे करके इसके ऊपर ढक्कन रख देना,
अब कोयलों पर तकरीबन 2.5 घंटे जो है इसको ऊपर रख देंगे। बिस्मिल्लाह। तीन घंटे हो चुके हैं तो अब इसको जो है उतार लेंगे। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह से हमारा दम पोख जो है वो तैयार हो चुका है। माशाल्लाह से हमारा दम पोख जो है वो तैयार हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक टमाटर डालेंगे और एक प्याज साथ में, एक मिर्च, एक आलू और साथ में गोश्त। ये जो है इसका पानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें गोश्त कितने जो है अच्छे तरीके से गल चुका है। आलू जो है ये गल चुका है। अब इसको ट्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत ही जो है ज़बरदस्त बना है। आप भी जो है इसको घर में ज़रूर ट्राई करिए। बहुत ही जो है ज़बरदस्त बना है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।